हैलून फ्रेंचाइज पे ये वाली वीडियो बनाने का मेरा कोई मूड वूड तो था नहीं, क्योंकि हैलून फ्रेंचाइज की हर फिल्म के ऊपर जरूरत से ज्यादा संख्या और डेप्थ में मैं ऑलरेडी बतेरी वीडियोस बना चुका हूँ। तो हैलून फ्रेंचाइज एक अल्ट्रा क्लासिक स्लैशर फिल्म फ्रेंचाइज और उसका साइको किलर माइकल मायर्स है मेरा फेवरेट हॉरर लेजेंड और जो टॉप के हॉरर लेजेंड है ये बंदा उसमें आता है और मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने सबसे पहले सारे स्लैशर विलन्स में से इसी को सबसे पहले देखा था। और इसकी 1978 में रिलीज हुई हैलोवीन 1 जिसको डायरेक्ट किया जॉन कारपेंटर ने, वो है एक मास्टरपीस, मेरी वन ऑफ द फेवरेट हॉरर फिल्म्स और मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में आती है वो फिल्म, क्योंकि वो है इतनी बढ़िया। इस फ्रेंचाइज के अंदर आती है टोटल 13 फिल्म है जिसमें से एक अभी भी रिलीज होनी बाकी है। उसमें सबसे पहले आती है हैलोवीन 1, हैलोवीन 2, हैलोवीन 3 द सीजन ऑफ द विच, हैलोवीन 4 द रिटर्न ऑफ माइकल मायर्स, हैलोवीन 5 द रिवेंज ऑफ माइकल मायर्स, हैलोवीन 6 द कर्स ऑफ माइकल मायर्स, हैलोवीन H2O 20 इयर्स लेटर, हैलोवीन रेजरेक्शन, हैलोवीन 1 रीमेक, हैलोवीन 2 रीमेक, हैलोवीन 2018 वाली, हैलोवीन किल्स और हैलोवीन एंड्स जो कि अब रिलीज होने वाली है जिसकी शूटिंग अभी चल रही है। अब सारी हॉरर स्लैशर फिल्म फ्रेंचाइजेस की तरह ही हैलोवीन फ्रेंचाइज के अंदर भी कुछ फिल्में बहुत बढ़िया हैं, कुछ फिल्में ढंग की हैं और कुछ बहुत ही बेकार भी हैं। और साथ ही में इस फ्रेंचाइज के अंदर कोई भी फिल्म इतनी घटिया नहीं है जैसे कि फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइज के अंदर है, जिन्हें भाई साहब बिल्कुल देखना ही मतलब देखा ही नहीं जाता, इतनी बेकार नहीं है, बेरेबल सी है। अगर कोई बेकार फिल्म है भी इस फ्रेंचाइज के अंदर तो हर बढ़िया बेकार फिल्म की अपनी अपनी कमियां हैं, उसके अंदर अपने अपने उनकी अच्छाइयां हैं। इसलिए मैं इतना तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे नहीं कह सकता फ्राइडे 13th की तरह कि भाई साहब इन फिल्मों को देखो ही मत, क्योंकि इतनी बेकार नहीं है इसमें कोई भी फिल्म इस पूरी फ्रेंचाइज के अंदर। हैलोवीन 1 एक कतई मास्टरपीस है, हैलोवीन 2 बिल्कुल उसी की तरह एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है, उसी की टोन और पूरी चीज को लेकर आगे बढ़ती है, एक बेहतरीन सीक्वल है। हैलोवीन 3 का माइकल मायर्स से कुछ लेना देना ही नहीं है, इस मूवी का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टार्टिंग बहुत डरावनी है और इसकी एंडिंग डरावनी होने के साथ साथ थोड़ी सी अपसर्ड भी है। हैलोवीन 4 एक अच्छी फिल्म है, कहानी को एक्सटेंड करती है, नए कैरेक्टर्स और नई स्टोरी को लेकर आती है, लेकिन साथ ही में बहुत ही घटिया माइकल मायर्स का मास्क भी है इस फिल्म के अंदर। हैलोवीन 5 बोरिंग है, मास्क महा घटिया है और ओवरऑल ये मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ये कम अच्छी मूवी है। हैलोवीन 6 एक घटिया पिक्चर है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हैलोवीन H2O एक इम्परफेक्ट मूवी है, स्टार्टिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन है और कुछ जगहों पे ये मूवी ऐसे ऐसे काम कर देती है, ऐसी चीजें कर देती है जो कि भाई साहब देखने लायक है। हैलोवीन रेजरेक्शन स्ट्रेट अवे एक बकवास पिक्चर है। हैलोवीन के दोनों रीमेक्स बहुत बढ़िया पिक्चरें नहीं है, इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत बढ़िया पिक्चर है, दोनों की दोनों ओवरऑल नहीं है। हैलोवीन 2018 वाली एकदम बेहतरीन मजेदार पिक्चर कतई है और हैलोवीन किल्स भी मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, उसमें कमियां ऑफ कोर्स उसकी खुद की है, वो एक इम्परफेक्ट मूवी है लेकिन एक अच्छी पिक्चर। और हैलोवीन एंड्स तो अभी आई नहीं, जब आएगी तब देखेंगे तो आपको बताएंगे कैसी है मूवी। अब फ्राइडे 13th या टेक्सास चेंसो मैसेकर की तरह मैं आपको इस फ्रेंचाइज के अंदर सिर्फ बढ़िया बढ़िया मूवीज देखने को सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उन फ्रेंचाइज के बिल्कुल विपरीत यहां पर कॉन्टिन्यूटी और क्रोनोलॉजी से फर्क पड़ता है। इस पूरी फ्रेंचाइज के अंदर टोटल 5 टाइमलाइंस हैं और हर टाइमलाइन के अंदर अपनी अच्छाई अपनी बुराई है, अपनी ढंग की पिक्चर है अपनी बेकार पिक्चर है, तो इसलिए मैं कोई एक सिंगल टाइमलाइन भी आपको सजेस्ट नहीं करता कि भाई साहब ये वाली जाकर टाइमलाइन देख लो और काम तुम्हारा, तो इसलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होने वाली है वीडियो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस मूवी को देखने के लिए, इस फ्रेंचाइज को देखने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले जो आपको देखनी है वो हैलोवीन 1 1978 की मास्टरपीस का एक बेहतरीन पिक्चर जिसको देख के मुझे मजा आ गया था और बहुत ही मजेदार अल्ट्रा क्लासिक स्लैशर फिल्म है माइकल मायर्स की। और माइकल मायर्स का पूरा मजा, पूरा उसका जो भी निचोड़ है, उसकी पूरे डर का, टेरर का, उस पूरी मास्टरपीसनेस का जो इस फिल्म का है, वो आप इस फिल्म को इकलौती को देख के भी ले सकते हैं। और अगर किसी कारण से आपको माइकल मायर्स और हैलोवीन की स्टोरी इतनी पसंद आ जाती है कि आपको इसमें और देखना है तो जाके हैलोवीन 2 देख लो, जो कि इस फिल्म के कतई कुछ मिनटों बाद ही स्टार्ट होती है, पूरी टोनली पूरी सेम है और बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग पिक्चर है और एक बेहतरीन सीक्वल है ये मूवी। अब हैलोवीन 2 की बात आपको देखनी है, हैलोवीन 2018 वाली, जो कि डायरेक्ट सीक्वल है ओरिजिनल हैलोवीन का, और इस मूवी के अंदर हैलोवीन 2 के इवेंट्स माने नहीं जाएंगे, नॉन कैनन हो जाएंगे। आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा और आप उसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। मैं आपको ये वाली मूवी अंदर सजेस्ट कर रहा हूँ, बीच वाली से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम मूवीज में इस पूरी फ्रेंचाइज का जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनको एंजॉय कर पाएं, उनको ले पाएं, उनको एक्सपीरियंस कर पाएं। तो इसलिए 2018 वाली देखो, बढ़िया मजेदार पिक्चर है, 40 साल बाद कहानी है इसके आप पहली वाली पिक्चर के। उसके बाद देखो हैलोवीन किल्स जो कि एक डायरेक्ट सीक्वल है इस मूवी का, यानी कि इसके बाद ही अगली कहानी शुरू होती है, और हैलोवीन किल्स भी एक मजेदार कतई बेहतरीन पिक्चर है। इस मूवी में कमियां हैं लेकिन जो इसके अंदर माइकल मायर्स के सीन है, जो गोर है, जो मजेदार किल्स हैं, जो मजेदार गोर है, भाई साहब माइकल मायर्स के सीन इसके अंदर इतने बढ़िया है ना कि जितनी भी कमियां है वो सारी कॉम्पनसेट कर देते हैं वो बढ़िया वाले माइकल मायर्स के सीन, और उस मूवी को देख के मजा आ जाता है। उसके बाद हैलोवीन एंड्स आएगी प्रोबेबली शायद अगले साल, क्योंकि अभी उसकी शूटिंग वगैरह चल रही है तो वो भी एक आध साल में आ जाएगी, इंतजार करो। और इंतजार करते करते अगर तुम्हारा मन करे थोड़ा सा और माइकल मायर्स देखने का, उसे थोड़ा थोड़ा सा और एक्सपीरियंस करने का उसे, तो जो बीच की मूवियां उन्हें देख लो, कौन रोक रहा था। माइकल मायर्स को देखते हुए एक बात का जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि भाई साहब पूरी की पूरी इतनी सारी वीडियोस बना रखी है, पूरी हैलोवीन की पूरी प्लेलिस्ट है, हर मूवी की स्टोरी, हर मूवी का रिव्यू, हर मूवी के बिहाइंड द सीन्स, फन फैक्ट्स वगैरह सब चीजों पे वीडियो बना रखी है, जाके ये प्लेलिस्ट चेक करो अभी के अभी भाई साहब, मजा आ जाएगा, मजा। पिक्चर देखो फिर प्लेलिस्ट चेक करो, हर मूवी के ऊपर बनी हुई है वीडियोज। टाटा बाय बाय।